तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हाँ, तो ये है 2 बॉइल्ड पटेटो जिसको हमने आधा घंटा फ्रिज में रख लिया था और इसे स्मैश कर लिया था। ये है करियंडर, ये है अनियन जिसको हमने कद्दूकस करके इसका सारा पानी निकाल लिया था, और ये है ब्रेड क्रम्ब। अगर आप ये वाले स्पून से मेजर करें तो ये है 5 टेबल स्पून, और ये है मैदा। अगर आप ये वाले स्पून से मेजर करें तो ये है 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके जगह चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और ये है 1 ग्रीन चिली जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और ये है रेड चिली पाउडर जो है 1 टीस्पून, ये है सॉल्ट जो है 1/2 टीस्पून, ये है चाट मसाला ये है 1 टीस्पून, ये है ब्लैक पेपर पाउडर ये है 1 टीस्पून, और ये हमने एक अंडा ले लिया है और ये ऑयल है। तो चलिए फटाफट से हम हमारा डो बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं पोटैटो ले लेती हूँ, फिर हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल लेते हैं। चलो डाल, पहले हम ब्रेड क्रम्स डाल लेते हैं। हम थोड़ा ही डालेंगे, फिर बाद में जितना हमें यूज करना होगा हम उतना यूज कर लेंगे। फिर हमने मैदा डाल दिया है, मैदा भी हम थोड़ा ही लेंगे। हाँ बस, अब हम इसमें रेड चिली और ग्रीन चिली डाल देंगे। ये रेड चिली, ये सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, और ये हमारा कोरिएंडर, और ये हमारा लास्ट ऑन। अब चलिए अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये जो पोटैटो है वो हमारे हाथों में स्टिक ना हो जाए, और तब तक आप अंडा फेंट लीजिए। देखिए थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा डो थोड़ा सा रेडी हो गया है। अगर आपको ये गीला लगे तो आप ब्रेड क्रम्स और डाल दें, मैं 2 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। और हम ये धनिया बचा हुआ था हम वो भी डाल देते हैं, वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और हमने जो अंडा लिया था हम हाफ इसमें डालेंगे और हाफ कोटिंग के लिए बचाएंगे, तो हाफ हम डाल देते हैं। बस चलिए अब हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर से इसे मिक्स कर देंगे। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्टली हो गया। तो चलिए अब हम डोनट बनाते हैं, और डोनट बना बना के हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो हम इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ये चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। चलिए अब हम भी स्टार्ट करते हैं, और हम भी हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, देखिए क्योंकि अभी चिपके हैं। ये देखिए हमने थोड़ा ज्यादा ही लगाया है। अब हम छोटे छोटे बॉल्स करेंगे क्योंकि हम मिनी डोनट्स बना रहे हैं, बहुत ही क्यूट से बनाएंगे, हम आपको बता के दिखाते हैं। ये देखिए इतना हमने ले लिया, बस इसे हम टाइटली करेंगे। ये भी इतना क्यूट लग रहा है। अब हम करना ये है कि अब हम इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए हो गया प्रेस, अब आप फोल्ड करोगे। ओके चलेगा, मैं आपको बॉल्स बना के देती हूँ। ये देखिए हमने ये बॉटल का कैप ले लिया है, अब हम इसे होल्ड करेंगे। इसे ध्यान से निकाले ये टूट ना जाए, और अब हम ये यहाँ पे रख देते हैं। ये लो सेकंड बॉल भी रेडी है।
चलिए अब मैं आपको फिंगर से करके बताती हूँ, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये जरूर ट्राई करें। ये देखिए हम फिंगर में ऑयल डिप करके लेंगे, अच्छे से फिंगर कर देंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे और तब ये होल छोटे हो जाते हैं, इसलिए हम करेंगे। ये पीछे से देखिए ऐसा हो गया, पीछे से भी हमें ऐसे ही करना है। अगर आपके यहाँ से किनारे फट गए तो आप कर दीजिएगा, बट हमारे नहीं फटे हैं। ना बिल्कुल सेम डोनट्स, कैप से भी और फिंगर से भी आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम सारे, तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसे आधे घंटे फ्रीज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए अब जहाँ पे हमें थोड़ा सा लगेगा होल छोटा है तो हम वहां पे कर देते हैं बस। चलिए अब हम इसे कोटिंग करते हैं। कोटिंग के लिए हमने एग ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिया है, और एग में हमने 2 pinch सॉल्ट डाला है और 2 pinch ब्लैक पेपर पाउडर, और ब्रेड क्रम्स में हमने कुछ नहीं डाला है। ब्रेड क्रम्स हम इसलिए डाले ताकि ये क्रंची हो जाए और ये इसमें फ्लफी हो जाए। तो चलिए कोटिंग करते हैं। और ये आप देखिए हम ये सबसे मिनी वाला भी लिया है, ये देखिए। अब हम दूसरे हाथ से करेंगे, बस इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में भी हम इसे ऐसे कर लेंगे, तो दूसरा ऐसे हम सारे रेडी करते हैं। हम एग में से डाल रहे हैं ताकि फ्लफी हो जाए, और ब्रेड क्रम्स में से डाल रहे हैं ताकि क्रंची हो जाए। और आप होल थोड़ा बड़ा ही रखें, क्योंकि जैसे कि दीदी ने बोला था कि वो फ्राई करने के बाद होल छोटा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा ही रखें। और हम बार बार इसे बोल के हाथ फिराएंगे, फिर वो छोटा होता जाता है जब हम कोटिंग करते हैं, तो यहाँ से फोल्ड होता है, यहाँ से फोल्ड होता है, इसलिए देखिए इसे हम करेंगे। सबसे मिली वाला लास्ट में करेंगे। हमारा बस लास्ट हो गया, अब हम इसमें भी थोड़ा कर देंगे, अब इस पे रख देते हैं। चलिए अब फ्राई करते हैं। और ये हमारी मिनी कढ़ाई है, हम इसी में फ्राई करने वाले हैं, तो चलिए फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स हमने ऑयल डाल दिया है, ये डीप ऑयल है, बस इसे प्रीहीट होने देते हैं। और उससे पहले हम इसमें एक और बार फिंगर डाल के इसे ठीक कर लेते हैं, और अब हम इसे डालेंगे आराम से। ओके देखिए अब ध्यान रखें इसका जल्दी कलर ना चेंज हो जाए, इसे हम थोड़ा कुक होने देंगे, 3 मिनट के बाद पलटाएंगे। दूसरा भी डाल दे, देखिए चलिए एक बार देखते हैं, नहीं हुआ है बस और होने देंगे इसे। चलिए निकाल लेते हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारे सारे मिनी डोनट्स रेडी हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मिनी मिनी डोनट्स बनके रेडी हो गए हैं। चलिए मैं आपको इसका क्रंचीनेस बताती हूँ, ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे देखिए, वाह बस ये बहुत ही परफेक्टली हुए हैं, ये देखिए। चलिए टेस्ट करते हैं, केलो बहुत यम्मी बने हैं, बहुत बहुत यम्मी बने हैं। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए, और जैसे कि दीदी ने बोला था कि फ्राई करने के बाद ये जो होल है वो छोटे हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ है, ये होल छोटे हो गए हैं। और ये देखिए आपको ये फ्लफी फ्लफी लग रहा है क्योंकि इसमें एग है,
और क्रंची क्रंची लग रहा है क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्ब है। ये लो। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बता देना। और मैं इस वीडियो को एम करती हूँ 5000 लाइक्स तक, तो आप इसे लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूले। चलिए अब मैं फिर से ला दूंगी एक नई रेसिपी।